अनपढ़ महिला ने स्कूल के लिए दान कर दी बेशकीमती जमीन, किराए के कमरे में कर रही गुजर। महिला के इस नेक काम के लिए एक लाइक तो बनता ही है। राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले की एक अनपढ़ महिला ने जीवन में शिक्षा की महत्ता को समझते हुए अपनी बेशकीमती जमीन सरकारी स्कूल को दान कर दी और खुद अब किराए के एक कमरे में अपने दो बेटों के साथ जिंदगी बसर कर रही है। यूं तो सभी दान महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन खुद अभावों में रहकर भी इतना बड़ा कदम उठा लेना आसान नहीं होता है। और यही वजह है कि अपनी बेशकीमती जमीन स्कूल को दान कर देने वाली उस दानी महिला को 28 जून को सम्मानित किया जाएगा। डूंगरपुर शहर के विजयगंज कॉलोनी में रहने वाली कमला भोई खुद निरक्षर हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व तो समझती हैं। कमला देवी ने बीते कुछ दिनों पहले किशनलाल गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को कुल 2686 वर्ग फीट जमीन दान दी है और इस जमीन की डीएलसी दर 34 लाख रुपए है, जबकि बाजार मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है। वर्तमान में कमला भोई अपने दो बेटों के साथ विजयगंज कॉलोनी में किराए के एक कमरे में रहती हैं और सब्जी बेचकर अपने बेटों के साथ जीवन बसर कर रही हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दान करके कमला बहुत खुश हैं। लाखों की जमीन स्कूल को दान करके कमला ही नहीं बल्कि बेटे और रिश्तेदार भी गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका मानना है कि कमला के इस कदम से स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का भविष्य सुधरेगा। किशनलाल गर्ग स्कूल को लाखों रुपए की जमीन का दान करवाने में स्कूल के प्रिंसिपल अशोक भट्ट ने प्रेरक की भूमिका निभाई है। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि विद्यालय को ये जमीन मिलने पर विद्यालय को काफी फायदा पहुंचेगा। हाल ही में स्कूल में विज्ञान व गणित संकाय खुला है, जिससे वहां लैब बनने के साथ ही अन्य कमरे बनेंगे। इससे बच्चों को अध्ययन कार्य में काफी मदद मिलेगी। वैसे तो स्कूल में कई लोग दान करते हैं, लेकिन खुद अभावों में रहकर दान करना ज्यादा मायने रखता है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में 15 लाख से अधिक दान देने पर भामाशाह व 30 लाख से अधिक जुटाने पर स्कूल के प्रिंसिपल को सम्मानित करने का प्रावधान है। उसी तरह से अब कमला भोई व स्कूल के प्रिंसिपल अशोक भट्ट को 28 जून को प्रदेश स्तर पर भामाशाह सम्मान से नवाजा जाएगा। तो महिला की इस नेक दिली के बारे में आप लोगों की क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।